नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह और आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को कुछ महीने शेष हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं असल परीक्षा मौजूदा 70 विधायकों की है। 5 सालों में विधायक अपने वादों और दावों पर कितने खरे उतरे, इसका हाल जानने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रही है। हम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जनता के हवाले से पेश कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं भाजपा का गढ़ माने जाने वाली देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर। इस सीट से विधायक हैं हरबंस कपूर। आपको बताते हैं सीट का इतिहास। देहरादून कैंट विधानसभा सीट देहरादून जिले में स्थित अनारक्षित सीट है। यह सीट 2008 परिसीमन के अस्तित्व में आने के बाद से हरबंस कपूर का गढ़ रहा है। साल 2012 में पूर्व स्पीकर रहे हरबंस कपूर ने भाजपा से अगुवाई की तो कांग्रेस का झंडा लहराने देवेंद्र सिंह सेठी आए। कांग्रेस ने भाजपा दिग्गज को पछाड़ने की पुरजोर कोशिश की, पर भाजपा विधायक हरबंस कपूर को हिला नहीं पाए। नतीजे में 5,095 वोटों से भाजपा विधायक ने जीत दर्ज की। साल 2017 में इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता और कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पर दांव खेला, जिसमें उन्हें फिर से नाकामी हाथ लगी। जनता ने अपने विधायक का साथ नहीं छोड़ा और 56.99 वोट प्रतिशत जीत के साथ हरबंस कपूर ने 8वीं बार विधायक के तौर पर शपथ ली। लगातार 8 बार की जीत यह बताने के लिए काफी है कि जनता के बीच उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। पिछले 5 साल में हरबंस कपूर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, लेकिन यह संदेश भी जाता रहा है कि वह अपने पुत्र को राजनीति में आगे करने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर मतदाताओं की बात करें तो देहरादून कैंट विधानसभा सीट में 1,31,808 वोटर्स हैं, जिसमें से 65,558 पुरुष हैं और 66,250 महिलाएं हैं। आइए अब आपको बताते हैं हरबंस कपूर के दावे। हरबंस कपूर भाजपा के सबसे उम्र दराज विधायक हैं। देहरादून की सियासत में कैंट क्षेत्र के भाजपा विधायक हरबंस कपूर का अपना ही दखल रहा है। 1985 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 से लेकर 2017 तक हरबंस कपूर लगातार रिकॉर्ड 8 बार विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देहरादून सीट से लड़ने वाले हरबंस कपूर ने उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद अपना पहला चुनाव देहरा खास विधानसभा सीट से लड़ा और विजयी हुए। उसके बाद वे उत्तराखंड विधानसभा में स्पीकर भी रहे। साल 2012 से कैंट विधानसभा सीट पर उन्होंने जनता से कई वादे किए। काम के लिहाज से देखें तो विधायक की सियासी व्यवहार कुशलता ही उन्हें दूसरों से अलग करती है। सियासत की लंबी पारी की वजह से उनसे हर कोई वाकिफ भी है। इसके बावजूद कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। विधानसभा के कुछ इलाके विकास के मामले में बहुत आगे हैं, तो कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे संवाददाता ने विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक हरबंस कपूर के कामकाज, जनसंपर्क, विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए जनता ने क्या कहा अपने चुने हुए विधायक को लेकर। कुछ नहीं मिला हमारे। मैं कुछ भी नहीं करती, बस घरों घरों में काम करती हूँ और आजकल वो भी ख़त्म हो रखा है, आपको पता ही है। बस एक बच्चा है मेरा काम करने वाला, वो भी घर में बैठा है, वो भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। वो भी ये छोटा है, किसी ने कुछ हाँ कुछ नहीं दिया हमारे लिए। बांटा होगा लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया। बन जाती हमें इतनी में खुश हो जाते, दुकानें इतनी टूट गई हैं, क्या परेशानी। रोड बन जाती ना, इससे दिक्कत ना होती। रोड सारी टूटी हुई है, कोई दुकानें नहीं बनी, कुछ नहीं, कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, बस यही है। और क्या, कोई और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोड जो उधर की सामने की रोड बनाई है, सारी टूटी फूटी रोड है, अभी बनी है ताजी बल्कि, अभी कुछ टूटी रोड है। उधर की भी सर्वे करें आपको पता चल जाएगा,
जब काम कोई स्टार्ट होता है तो अच्छा ही होता है ना। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, और ये तो तुम्हें पता सरकारों का काम है, सरकारों का काम तो कितने हाई लेवल में होते हैं, और लेकिन इसको टाइम लगाने में पहले अपनी जेब भरेंगे, बाद में अपना काम करेंगे, है ना। तो ये तो चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, समस्या ही है बस रोजगार। अब सबके रोजगार ख़त्म है इस टाइम पे। अब आदमी पहले तो अपने पेट के लिए करेगा कुछ, वही चीज़ में सोचेगा पहले। बाकी आप अभी हाईवे का इसका काम ही चल रहा है, अभी थोड़ा दिक्कत है गाड़ी पार करने की। कुछ भी नहीं मिला हमें तो बताओ, इसमें आदमी बड़े हैं, किसी को भी कुछ नहीं। जब राहत अभी टाइम पे और जगह चल रहा था, राहत सामग्री दी जा रही थी, किट दी जा रही थी, चीज़ें दी जा रही थी, राशन दी जा रही थी, आप लोगों को कुछ मिला? हमें कुछ तो नहीं मिला। कोई आपके पास आया नहीं बोलने? कोई बोलने नहीं आया। अच्छा, मतलब पिछला साल भी और ये वाला साल भी जितने टाइम पे लॉकडाउन था उस टाइम पे आपको कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। ये भी तो मजबूरी में चला रहे गाड़ी, आप क्या करें, इंसान कब तक घर पड़ा रहेगा, क्या करेगा, तेल पानी घर पे परिवार भी है सब कुछ है। पता हमारा ना हाँ। इधर से भी उधर से भी अच्छा। और सारा अब भी सत्यानाश मार दिया अच्छा। हमारी सड़क का ही देख लो यहाँ तक पहुँच गए अच्छा। हैं बड़े बड़े परेशान हैं इनसे। तो आपके पास यहाँ पर आए आपके पास बात करने? ना आए नहीं, बिल्कुल भी नहीं आए। नहीं आए न कोई आया किसी से, कुछ भी नहीं दुकान का आपको कुछ बोला नहीं? जहाँ मोस्टली समझा ड्रेनेज की समस्या, अभी जब बारिश आने वाली है उसमें ड्रेन की समस्या सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि पानी का भराव सबसे ज़्यादा होता है। हम इस सीट के लिए बोलेंगे, और बाकी जो सड़कें बन रही हैं अभी आधी अधूरी हैं, तो ज़रूरी है कि अब जिस हिसाब से समय चल रहा है, बरसात आएगी तो जम जमाव तो होना ही होना है, फिर इसी हिसाब से बीमारियाँ, मच्छर अलग, ये सब कुछ। तो ठीक है, जिस हिसाब से कार्य हो रहा है हम ये नहीं कहेंगे कि भाई काम बेकार ही है, लेकिन संतोषजनक तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ये कहेंगे 100 में से 98% हम हाँ बोले। यही है कारोबार के लिए परेशान है। तोड़ तो काफ़ी दिया है इन्होंने। आपका घर किस साइड है? घर तो आगे, आगे मेरा भी तोड़ दिया वैसे, कमरा एक कमरा था वो भी तोड़ दिया। तो उसका कुछ मिला आपको? मिला क्या, एप्लीकेशन दे रखी थी वो अभी तक हुआ नहीं कुछ। विधानसभा कैंट की 5 बड़ी समस्याएं: क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण और लिंक मार्गों का सुदृढ़ीकरण, ट्रैफिक जाम, नालों में जल भराव और गंदगी, कई क्षेत्रों में संपर्क मार्गों की खस्ताहाल स्थिति, अतिक्रमण। देहरादून कैंट विधानसभा सीट से हरबंस कपूर कभी नहीं हारे। लगातार 8 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले हरबंस कपूर को हराने का कांग्रेस कोई भी फॉर्मूला नहीं निकाल पाई, लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कपूर की बढ़ती उम्र है। 2017 में खराब सेहत के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार बढ़ती उम्र के चलते भाजपा उनका विकल्प तलाश सकती है। हालांकि हरबंस कपूर चाहेंगे कि अगर किसी कारण से वह चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनके बेटे अमित कपूर को टिकट दिया जाए। कपूर अपनी मजबूत छवि के बूते मैदान में उतरे बिना भी भाजपा की नया पार करने का दम भरते हैं। उधर कांग्रेस के लिए इस सीट पर कपूर का बड़ा कद जीत में रोड़ा बन सकता है। लंबे समय से सीट पर मेहनत कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कैंट का किला तभी फतेह कर सकते हैं जब कपूर का गढ़ कमजोर हो जाए। विधानसभा सीट पर जनता से किए सर्वेक्षण के आधार पर विधायक हरबंस कपूर का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता के पैमाने पर विधायक को ए ग्रेड दिया है। जन विकास कार्यों के लिए जनता ने उन्हें बी ग्रेड, जनता से संवाद स्थापित करने में भी विधायक अव्वल हैं, जबकि उनके नेतृत्व से लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर का वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए देवभूमि इनसाइडर चैनल को, और हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट देखने के लिए दबाइए इस बेल आइकन।